हेलो एवरीवन एंड अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज आलोक पांडे एंड टुडे आई एम शूटिंग वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट ऑफ माय लाइफ विद वेरी रिस्पेक्टेड सीनियर डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर विंग डॉक्टर सौरभ लखन पाल सर। सो लेट मी इंट्रोड्यूस सर विद फ्यू वर्ड्स। सर इज द बैकबोन ऑफ एलपीयू, जिसको हम लोग बहुत प्यार से सर को, मैं जो बोलता हूँ भीष्म पितामह भी मैं सर को बहुत बार बोलता हूँ, क्योंकि जब से मैं एलपीयू में आया हूँ मैं सर को हर इवेंट में देखा एंड सर ही सब कुछ मैनेज करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर दिस पॉडकास्ट एंड इन दिस पॉडकास्ट आई विल आस्क टू सम ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस टू सर, लाइक हाउ ही इज मैनेजिंग इवेंट्स इन एलपीयू एंड व्हाट आर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ सीनियर डीन ऑफ एलपीयू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो सर। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। एंड सर वेरी फर्स्ट सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, लाइक it's my pleasure, like I'm sitting here. So sir, let's get started. God bless you. Thank you. Comfortable रहो, मैं भी तुम्हारी तरह आम इंसान ही हूँ सर, बट मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ आज क्योंकि सर आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। सो सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि सर लाइक हाउ वॉज योर स्कूल डेज एंड सर लाइक आप स्कूल डेज में कैसे थे और आज जो आपका सक्सेस यहाँ पे अचीव आप किए हो एज अ सीनियर डीन ऑफ एलपीयू, सर ये कैसी जर्नी थी, आप प्लीज शेयर करिए। देखो अगर मैं अपने स्कूल डेज की बात करूँ तो आई वॉज लिटिल बैक बेंचर स्टूडेंट। वॉट मीन्स दैट बैक बेंचर स्टूडेंट इज कि मैं थोड़ा शरारती था, थोड़ा नॉटी था एंड लॉट ऑफ थिंग्स वर वेरी मच हैपनिंग इन माई स्कूल डेज बिकॉज आई एम स्टूडेंट विद केंद्रीय विद्यालय। तो इट्स ए लाइक कल्चरली डाइवर्स इंस्टीट्यूशन केंद्रीय विद्यालय, क्योंकि बहुत सारे एयरफोर्स के लोग वहाँ पढ़ते थे। तो स्टूडेंट्स फ्रॉम साउथ इंडिया, स्टूडेंट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया वर माई बैचमेट्स इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वाज स्टडिंग इन एयरफोर्स स्टेशन आदमपुर केंद्रीय विद्यालय 1। तो उन्होंने काफी एक्सपोजर दिया इन वेरी यंग एज। आई टेंड टू अंडरस्टैंड डिफरेंट कल्चर्स फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। लेकिन हमारा एक फेवरेट पास टाइम हमारे बस का ट्रेवल भी था बिकॉज आई यूज टू स्टे इन होशियारपुर और मेरा जो स्कूल है वो आदमपुर में था, इट्स एन 25 किलोमीटर डिफरेंस। तो बस में भी हम लास्ट सीट पे बैठते थे, हम तीन लोगों की जोड़ी थी और हम बहुत शरारत करते थे। कई बार तो टीचर इतने परेशान हो जाते थे हमसे कि वो ये बोलते थे कि तुम जिंदगी में कहीं नहीं पहुंचोगे। और आज इस पोजीशन में बैठे देख के और एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वो मेरे से पूछते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कब हुआ सौरभ। और इनफैक्ट स्कूल डेज की अगर बात करूं तो हमारा स्कूल जैसे 7:15 पे लगता है तो जनरली हम 6 बजे पहुंच जाते थे और फिर जाके हमने फुटबॉल खेलना होता था। तो जब गेम नहीं खत्म होती थी 7:15 की बजाय 7:20 भी हो जाते थे तो क्लास में जाते थे तो टीचर बाहर खड़ा करता था या पेंसिल फंसा के था पढ़ती भी थी। तो उस तरह के समय और फिर कई बार केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में बीकर्स भी तोड़े हैं गलत केमिकल्स को आपस में मिला के। और इतना ही नहीं कई बार क्लासरूम की खिड़की भी जंप की है। तो ये मेरा लिटिल नॉटी पार्ट था, पर ऐसा नहीं है, आई वॉज अ गुड स्टूडेंट इन एकेडमिक्स ऑल्सो। अभी भी स्कूल के टॉपर्स में मेरी लिस्ट में नाम लिखा हुआ है, बोर्ड्स में भी मैंने टॉप किया था, सेकेंड टॉपर था मैं या थर्ड टॉपर था, फर्स्ट टॉपर तो नहीं था लेकिन एकेडमिक्स में मैं अच्छा था और नॉटी भी पूरा था। और कल्चरल डाइवर्सिटी से मैंने जितना सीखा उसने अच्छा कहीं नहीं सीखा मैंने। तो और स्कूल टाइम में मेरा स्पोर्ट्स का, SUPW का, कल्चरल का, ड्रामा का, एनुअल फंक्शन का कोई भी ऐसा इवेंट नहीं होता था जिसमें पार्टिसिपेट नहीं करता था। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर लाइक और बहुत लोगों को नहीं पता होगा ये चीज जो आज आप हमारे पॉडकास्ट में बोल रहे हैं। एंड सो सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूँ। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। सो सर लाइक हाउ यू आर मैनेजिंग इवेंट्स इन एलपीयू एंड सर इतने आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, आप इतने सारे सोसाइटीज है, सर वो कैसे आप मैनेज करते हो? देखो बेटा ऐसा है कि मैंने हमेशा एक आइडियोलॉजी में बिलीव किया है कि पुटिंग द राइट पीपल इन टू राइट प्लेस मेक्स योर हाफ द जॉब डन। तो इसका मतलब यह है कि अगर मुझे इतने बड़े इवेंट्स मैनेज करने हैं तो पहले तो मैं बड़ा क्लियर हूं कि आई एम नॉट सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। हर एक कुर्सी का, हर एक रोल का अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं प्लानिंग में और अप्रूवल्स में एंगेज हूं तो मेरे से जो नेक्स्ट सक्सेसर्स हैं या मेरे से जो नेक्स्ट सबॉर्डिनेट्स हैं वो उसके इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाने में इंपॉर्टेंट है और जो स्टूडेंट स्ट्रेंथ है वो उसको एग्जीक्यूट करने में रिस्पॉन्सिबल है। तो मेरा इवेंट्स इतने सारे होस्ट करने का पहला आइडियोलॉजी तो तुम समझ गए ना कि राइट पीपल एट राइट प्लेस। और दूसरा जो लोग एक्चुअल एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना ऑन ग्राउंड,
उनको रोल क्लैरिटी देना बड़ा जरूरी होता है। सो मेरा बहुत सारा समय जो फ्रंट लाइनर्स हैं जिन्होंने एक्चुअल एग्जीक्यूट करना है उनके साथ इंटरेक्शन में जरूर जाता है, क्योंकि जैसा मैं सोच रहा हूं वो उतने लेटर एंड स्पिरिट में अगर ट्रेवल हो जाए जिन्होंने एक्चुअल इंप्लीमेंट करना है तो इवेंट बहुत सक्सेसफुल होता है। और फिर इतना बड़ा यूनिवर्सिटी में हर समय हर रोज 8-9 बड़े इवेंट्स चल रहे हैं, तो हर अलग अलग फ्लेवर का है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप का है, तो कोई कल्चरल का है, कोई स्पोर्ट्स का है, तो कोई कम्युनिटी सर्विसेज का है। तो स्टूडेंट्स राइट पर्सन, मतलब उस तरह के माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स को चूज करना, माइंडसेट वाले उस तरह के फैकल्टी या स्टाफ ग्रुप को वो इवेंट एलोकेट करना, वो उस एक्सपर्टाइज से शुरू होके और लास्ट तक मोटिवेट करना, तो मुझे अच्छा लगता है टीम्स के साथ काम करना। और मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि इंडिविजुअल्स कैन लीड बट सक्सेस इज विद टीम ओनली। सो मैं अपने स्टूडेंट्स में बहुत बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। सब लोग मेरे को बोलते हैं कि तुम ज्यादा जरूरत से बिलीव करते हो, स्टूडेंट्स की क्वालिटी थोड़ी इमेच्योर होती है, नॉन कमिटेड होती है, रिस्पॉन्सिबल नहीं होते वो, और उनके अपने थोड़े से हैंगअप्स होते हैं पढ़ाई को लेके, क्लासेस को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके। पर मेरे को लगता है कि दिस इज द लर्निंग ना, अगर मैं नहीं मेंटर करूंगा तो और कौन करेगा, नहीं तो वो ये गलती दोहराते चले जाएंगे। और इस प्रोसेस में इवेंट्स में फिर वो आउटसाइड क्लासरूम लर्निंग में काफी एक्सपर्ट हो जाते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने तरक्की करते भी देखा है। तो इवेंट्स एक अपॉर्चुनिटी है, एक जरिया है, लेकिन उसकी जो लर्निंग है टीम वर्क की, कॉन्फिडेंस की, आउटस्पोकन की, कम्युनिकेशन की, वो मेरा रियल सक्सेस है। थैंक यू सो मच सर। एंड सर, जो आप इतने इवेंट्स मैनेज करते हो सर, उसमें तो बहुत सारा प्रेशर हैंडल करना होता होगा। जैसे हम लोग के पास प्रेशर क्या है, एग्जाम, सीए, मिड टर्म, बट सर आपके पास इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं विद हायर अथॉरिटीज के साथ, आपका उठना बैठना सब कुछ मैनेज करना, आज भी सर मुझे बहुत मुश्किल से टाइम दिए हैं तो सर वो आप सर कैसे मैनेज करते हो? देखो, प्रेशर कैसे हैंडल करना है ना, वो आपके पर्सनैलिटी का ट्रेट है, राइट? विद टाइम डेवलप होता है, ये अपने आप में एक स्किल है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि मेरे पे प्रेशर नहीं होता होगा, प्रेशर तो आता है, पर उस प्रेशर को कैसे कूलली और कामली झेलना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जब मैं ये प्रेशर अपने सबॉर्डिनेट्स पे और स्टूडेंट्स पे आते देखता हूँ ना, जैसे मैंने तुम्हें आते ही नोटिस किया, ऑब्जर्व किया कि तुम थोड़ा सा बहुत ज्यादा नर्वस थे, तो मुझे तुम्हें कंफर्टेबल तो करना था ना। तो फिर मैं तो बहुत आउटस्पोकन हूं, तो मैंने बोल दिया कि मैं भी तुम्हारी तरह से एक हूं, तो इसी को तो प्रेशर रिलीज करना कहते हैं। यस सर। तो मेरा प्रेशर कब रिलीज होता है, जब मैं अपनी टीम का प्रेशर रिलीज कर देता हूं। यस सर। जब वो एट कंफर्ट हो गई तो फिर तो ताजमहल भी बिल्ड कर देगी, वंडर है ना। यस सर। लेकिन बनाया तो इंसान नहीं है ना। यस सर। तो इसी तरह हमारा चाहे इवेंट्स है, चाहे हमारे किसी भी तरह के कोई भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो अपने आप में वंडर तभी बनेंगे जब मेरी टीम एट कंफर्ट होगी। तो मेरे पे एक्चुअली सक्सेस के पैरामीटर्स होते हैं ना, वो मेरे सक्सेस के पैरामीटर्स मेरे स्टूडेंट की लर्निंग और उनका लर्निंग के दौरान हैप्पीनेस मेरा प्राइम गोल है। तो मुझे तो हैंडल ही उनकी हैप्पीनेस करनी है, तो अगर मैं खुद प्रेशर हूँ तो मैं उनके हैप्पीनेस कैसे हैंडल करूंगा? तो डूइंग इवेंट्स इज नॉट समथिंग लाइक डूइंग अ मैकेनिकल थिंग, इट्स एन डेवलपिंग एन ह्यूमन रेस एंड प्रिपेयरिंग देम फॉर टुमारो। सो मेरा वो ऑब्जेक्टिव होने की वजह से मेरे पे ज्यादा फिर प्रेशर आता नहीं है, बट आई डिडंट लर्न दिस ओवरनाइट, इट कम्स विद टाइम। अभी भी जब मैंने नरेंद्र मोदी जी का इवेंट हैंडल किया होगा, प्रेशर तो था। मेरे पास सबसे ज्यादा प्रेशर था ऑटो एक्सपो 2014 में, एलपीयू ने 27 कॉन्सेप्ट कार्स लॉन्च की थी नोएडा में। तो ऑटो एक्सपो इंडिया का एक बहुत बड़ा इवेंट है और वर्ल्ड की नंबर 5th एक्सपो है, और वहां पे प्रेजेंटिंग ब्रांड्स कैसे होते हैं, लंबैगनी से लेके दीपक छाबड़िया तक, राइट? तो इस तरह के ब्रांड, और उन ब्रांड्स को लॉन्च कौन करता है, करीना कपूर, जॉन अब्राहम। तो उसमें जब मैं अपने एलपीयू का स्टॉल पोजीशन कर रहा था 27 कॉन्सेप्ट कार के साथ, तो वो प्रेशर था कि उनके ग्लैमर को मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से कैसे कंपेयर कर पाऊंगा। तो मैं भी अपने ब्रांड के लिए बहुत कॉन्शियस हूं, तो मैं ये वहां से ये सुन के तो नहीं आ सकता था कि एलपीयू का स्टॉल तो बहुत हल्का था देखने में, तो वो प्रेशर था मेरे पे। यस सर। तो उन प्रेशर्स के साथ ऐसे लर्निंग हुई, ऑब्जेक्टिव क्लियर हुए, और जैसे ही मैंने अपनी टीम को कंफर्टेबल किया, मेरा अपना आप प्रेशर रिलीज हो गया। यस सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर,
लाइक एक एक्सपीरियंस आप फिर से आप शेयर कर सकते हैं सर? जैसे हम लोग फर्स्ट ईयर में आते हैं, हम लोग का इंडक्शन होता है एलपीयू में, सो उसमें आपने एक एक्सपीरियंस अपना शेयर किया है, मुझे अभी तक याद है क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से सुनता था अपने इंडक्शन में। सर आपने बताया था कि एलपी में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज को आप लोग बुलाते हैं, तो सर उसमें से एक था जब दिलजीत दोसांझ आए थे एलपीयू में, उस टाइम पे मैं एलपीयू में नहीं था सर, वो एक्सपीरियंस एक बार आप फिर से शेयर करिए, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था सीरियसली। हाँ, इट वाज इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। तो हुआ ये कि हमारे यहाँ पे दिलजीत दोसांझ जी का कॉन्सर्ट होना था और ओपन ग्राउंड में होना था, और ये डिसाइड हुआ कि वो हेलीकॉप्टर में आएंगे, तो इंटरेस्टिंग लगा। तो हेलीकॉप्टर में जब वो आए तो म्यूजिक कॉन्सर्ट वाले प्लेस से 1-1.5 किलोमीटर हेलीपैड था जहां पे उन्हें लैंड करना था। तो जब उनका चॉपर आया और उन्होंने देखा 20-30 हजार लोग नीचे ग्राउंड में उनकी वेट कर रहे हैं। सॉरी टू इंटरप्ट बट आप एक चीज मिस कर दिए, बट मैंने आपको सुना था अच्छे से। सर आपने ये भी बोला था कि जब वो उनके जो स्पॉन्सर्स थे उन्होंने बोला था कि वो वाइन वगैरह का एडवर्टाइजमेंट करेंगे। हाँ, अच्छा वो इतना पीछे से सुनना चाहते हैं। अच्छा तो ऐसा है कि जब हमारे यहाँ पे दिलजीत दोसांझ जी का कॉन्सर्ट प्लान हुआ तो उनके ऑर्गेनाइजर्स आए हमारे पास एंड दे सेड कि इस तरह से इंडिया कैनेडा टूर है और दिलजीत दोसांझ जी का, और बड़े ही कम प्लेसेस पे इंडिया में होगा, सिर्फ 3 जगह पे होगा इंडिया में, और जैसे गुड़गांव है, जलंधर है, और एक शायद और जगह थी, जयपुर था शायद, तो बाकी सब कैनेडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में ऐसे शो होंगे। तो हमें एक बहुत अच्छा वेन्यू पार्टनर चाहिए और एक बहुत अच्छा मनी पंप इन करना है, क्योंकि हमारा सिर्फ स्टेज का प्रोडक्शन कॉस्ट 5 करोड़ के आसपास है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक एलईडीज पे या फ्लेक्सिस पे नहीं डिजाइन था उनका सेट, इट वाज एन ओरिजिनल के विलेज का सेट ही बना था। फिर बहुत सारे लॉजिस्टिक्स होते हैं, ये तो सिर्फ मैंने प्रोडक्शन कॉस्ट बता दी, आर्टिस्ट, साउंड, लाइट, बैरिकेड, पासेस, एंट्री, एग्जिट, तो ये काफी हाई प्रोडक्शन वो था शो। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो अच्छा स्पॉन्सर है वो लीकर ब्रांड हो सकता है, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में तो हम कभी कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते लीकर ब्रांड के साथ। तो मैंने तो उनको क्लियर ना बोल दिया, मैंने कहा जी लीकर ब्रांड तो कभी भी नहीं आएगा स्पॉन्सर में। वो कह रहे हैं आप स्पॉन्सर की बात कर रहे हो, हमने तो वहां सर्व भी करनी है फ्रंट टेबल्स पे। तो मैंने कहा कि चलो थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे को कंसिडर किया, बट इन टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ हम अपनी मॉरल वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में लीकर ब्रांड बोर्ड पे भी नहीं आएगा, सर्व करना तो बहुत बात की बात है। तो उन्होंने बहुत ऐसे मजे से बोला कि हाँ ठीक है, हमें वेन्यू की कमी थोड़ी है, हम बाहर पीएपी ग्राउंड है, ये वाली ग्राउंड है, वो वाली ग्राउंड है, वहां कर लेंगे, जरूर कर लें। लेकिन यहाँ पे मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ दिलजीत दोसांझ जी को और उनकी टीम को, क्योंकि जब ऑर्गेनाइजर्स ने बाकी जाके बताया दिलजीत जी को कि वेन्यू चेंज करना पड़ेगा, एलपीयू से कोई और जगह करना पड़ेगा, तो दिलजीत जी ने बिल्कुल एब्सोल्युटली नो कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग में एलपीयू की एक पिक्चर है, मैंने वहां पे कोक स्टूडियो में 7-8 मिनट का एक सॉन्ग किया था, तभी मेरे दिल में ये बात बस गई थी कि मैं नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में, जलंधर में शो करूंगा तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में ही करूंगा। अब वो आर्टिस्ट को तो एनॉय नहीं कर सकते, बट इसलिए उन्होंने यही करना था। बट मैं यहाँ पे क्रेडिट तो दिलजीत जी को दूंगा कि उन्होंने हमारे वेन्यू को इतना अच्छा चूज किया, और उसके बाद शो भी बहुत हिट हुआ। फिर उनकी एंट्री की बारी जो मैं सुनाने लगा था, तो ऑलवेज आर्टिस्ट को ऐसा एकदम से बड़ा अच्छा लगता है उनकी एक ग्रैंड एंट्री होनी चाहिए, वो तो डिसाइड ये हुआ कि वो चॉपर में आएंगे और चॉपर लैंड करेगा म्यूजिक कॉन्सर्ट के वेन्यू से 1 किलोमीटर दूर तक। तो जब वो हमारा कॉन्सर्ट का वेन्यू था वो उनके हेलीपैड के फ्लाई जोन में ही आता था, तो उन्होंने नीचे देखा होगा उनको इतना फ्लैशी सेट, लाइट्स, 20,000 का क्राउड, इतना ग्रैंडेचर दिखा कि उन्होंने क्या किया कि अपने हेलीकॉप्टर की ना ऐसे टिल्ट करके वो लाइट जो है वो ऑडियंस पे मारी। तो अब आपको आर्टिस्ट का हेलीकॉप्टर दिख रहा है, वो टिल्ट होता हुआ दिख रहा है, और ऑडियंस में लाइट फोकस होता दिख रहा है, तो ऑडियंस क्या करेगी, बहुत शोर करेगी, एक्साइटमेंट करेगी, तो वो ये वाली एक्साइटमेंट जो है वो आर्टिस्ट में और आने लगी। तो उन्होंने वहां पे वेन्यू के ऊपर ही अपने चॉपर में 2-3 चक्कर लगाए, तो आर्टिस्ट भी एक्साइटेड, पायलट भी एक्साइटेड, और ऑडियंस भी एक्साइटेड, और हम लोग ऑर्गेनाइजर्स, वेन्यू पार्टनर्स थोड़े टेंशन में कि भाई ये हो क्या रहा है, तो ही हैज टू लैंड। अच्छा चलो जी, वो वहां पे घूम घाम के चक्कर लगा के लैंड होने के लिए चले गए। तो जहां पे उन्होंने लैंड होना था वहां पे हमने उनकी वीआईपी गाड़ी, पुलिस एस्कॉर्ट, एस्कॉर्टिंग टीम, रिसेप्शन टीम सब वहां खड़े कर रखा था। तो
तो मैं यहाँ पे स्टेज के पास खड़ा वेट कर रहा था कि वहां से गो आएगा कि वो वहां से चल पड़े हैं एंड ही हैज टू कम टू द बैक स्टेज, वहां हमने उसको रिसीव करना था, उन्होंने अपना चेंज वेंज करके सेट के ऊपर स्टेज के ऊपर आ जाना था। तो चीजें एज पर प्लान चल रही थी, लेकिन अचानक ही मुझे फिर से चॉपर की आवाज सुनी, गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़। मैं कहूं ये क्या हो गया, मतलब इतनी क्या फील ले ली, दो चक्कर लगा लिए, उधर चले गए, अब ये फिर वापस आ गए। और सर्टेनली मैंने ये रियलाइज किया कि गड़गड़ गड़गड़ की आवाज नहीं आ रही, ये चॉपर नीचे भी आ रहा है, स्टेज से सिर्फ 100 फीट ऊपर रह गया है। तो मैं देख रहा हूं कि ये चॉपर क्या कर रहा है, कि इसमें कोई चैलेंज है, इसमें कोई प्रॉब्लम है। और सर्टेनली बैंग ऑन स्टेज के बिल्कुल साथ जो खाली वेकेंट एरिया था वहां चॉपर लैंड कर गया। और मैं स्टेज से सब कुछ छोड़ के वॉकी टॉकी भागता, जंप करता, टर्नस्टाइल गेट्स के ऊपर से जंप करता हुआ, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि ये चॉपर यहां लैंड कैसे कर गया। एंड एवरीबॉडी वाज एक्साइटेड, क्योंकि उनके लिए तो यही प्लान होगा कि उसका चॉपर वहीं लैंड करना होगा, अदर देन मी जिसको पता था कि वो कहीं और लैंड करना था। तो लोगों ने अपने मोबाइल खोले, फ्लैश लाइट्स खोली, वो चॉपर के आसपास पूरा राउंड राउंड बना दिया। अब सेलिब्रिटी वहां से बाहर कैसे निकलेगा? दूसरी बात, वो चॉपर के जो ब्लेड्स हैं दे आर हाईली रिस्की। अच्छा, एक भी बच्चे के पैर से पत्थर निकल जाए और उसके ब्लेड में टकराए तो वो ब्लास्ट कर जाएगा। सो वो इतना के ज्यादा सेंसिटिव हो गया था दैट इवन आई वॉज नॉट एबल टू परसुएड इन टू दी चॉपर। अब मेरे आपके यहां तक नरेट करने से आपको क्या लगता है, चॉपर वहां क्यों लैंड कर गया होगा, और व्हाट इज द प्लान बी, एंड हु विल थिंक कि अब होगा क्या, और दिलजीत को कौन निकालेगा? सो बीना ऑर्गेनाइजर, अब ये मेरे ऊपर प्रेशर था कि ये हो क्या गया, पहले तो मैं सिचुएशन को अंडरस्टैंड करूं। पर मुझे कुछ ऐसे इवेंट्स कराने के एक्सपीरियंस के साथ कुछ चीजें अपने आप समझ आने लगी हैं कि हुआ तो ये कुछ प्रॉब्लम ही है, बट नाउ वी हैव टू कम आउट ऑफ इट। तो मेरी वहां पे नियर बाय अपनी कार पार्क्ड थी, आई स्ट्रेट वे रैन टू माय कार, मैंने उसको बैक किया और बैक करके बिल्कुल चॉपर के दरवाजे के साथ आके लगा दिया। एंड देन दलजीत ऐसे हाथ हिला रहे ऑडियंस को, और मैं देख रहा हूँ ऑडियंस उनको हाथ हिला रही है। एंड सर्टेनली वो जो गोला था ना क्राउड का, वो धीरे 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 श्रिंक हो रहा है, पास हो रहा है, बिकॉज उसके हाथ हिलाने से एवरीबडी इज एक्साइटेड। चलो मुश्किल से कार कूद लेके मैं पहुंच गया चॉपर के साथ। और आपको पता है ये गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं कि आप 50 मीटर्स ऑफ दी चॉपर के अंदर तक अपना कोई व्हीकल नहीं ला सकते, बट उस समय मेरे को ये नॉर्म नहीं पता था। अब आज मैं एक्सपीरियंस्ड हूं। तो दलजीत दोसांझ उसमें से उतरे अपनी उसके साथ मैनेजर के साथ और फटाफट मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठ गए। एंड आई ट्राई टू टेक माय कार टू दी बैक स्टेज, आप कोई जाने लगा आराम से। तो मेरी गाड़ी उस समय TUV 3 थी, तो उसके साइड स्टैंड्स पे बच्चे चढ़ गए, बम्पर पे चढ़ गए, पीछे चढ़ गए, एंड देन मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि एकदम फिल्मी एंट्री हो रही है, और अंदर से हमारा दिल दुख दुख कर रहा था ये हो क्या रहा है। अच्छा, तो जब वैसे अंदर बैठे तो मेरे को दलजीत बोलता है, सर आज तक तुसी साढ़े हनुमान बन गए हो, सानू बचा लिया। तो मैंने कहा पहले मेरे को ये बताओ हुआ क्या था, यहाँ लैंडिंग क्यों की? तो उसकी मैनेजर बोलती है कि वो जिस हेलीपैड में हमने जाना था वहां पे सफिशिएंट लाइट पायलट को नहीं दिखी, और उसको यहाँ वेन्यू पे लाइट ही लाइट दिख रही थी, इसलिए उसने यहाँ लैंड कर दिया। देन आई अंडरस्टूड कि ये तो लैंडिंग प्रॉब्लम है। और फिर वहां से मेरे को पता है गाड़ी मैंने कैसे ऐसे लेफ्ट लाइट चला के, बच्चों के पैर के ऊपर नहीं चढ़े, ये ना चढ़े वो ना चढ़े। सो हम उसको फिर एट द एंड ऑफ द डे निकाल के वहां से ग्रीन रूम में लेके गए। अभी स्टिल आई हैव एन वीडियो, उसकी वीडियो अवेलेबल है, जब मैं उनको चॉपर एकदम से लैंड कर रहा है और विकेट कर रहा है। और उसके बाद में बड़े इंटरेस्टिंग किस्से हैं, तो ऐसे लंबा हो जाएगा पॉडकास्ट, इसमें इवेंट्स में खत्म नहीं होगा। yes, तो उन मेरे को फायर वाले जो होते हैं ना सरकारी डिपार्टमेंट वाले, PWD वाले, वो कहते हैं आपके ऊपर आके केस बनेगा। मैंने क्यों बनेगा, कह रहे आप कार क्यों लेके गए चॉपर के पास? मैंने कहा आपको पता है चॉपर यहाँ लैंड भी करना था? मैंने कहा मैंने तो सिचुएशन को सेव किया। कहते नहीं आपके ऊपर केस बनेगा, बना लो वही जो बनाना है। सो इस तरह से बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं उस शो के भी, तो इट्स अ बिग शो। और फिर वो थोड़ा लेट शुरू हुआ था तो खत्म भी लेट हुआ, पुलिस की एक परमिशन होती है एक टाइम तक, तो देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपेंड। लेकिन बहुत अच्छा भी हुआ, वो शो वाज अ ग्रैंड शो। और मेरे को लगता है अपनी घड़ी जैकेट दलजीत ने 7-8 लाख के तो अपने बॉडी वेयर्स ही जो है वो ऑडियंस को दे दिए थे। और सो इट वाज अ ग्रेट शो, यस, एंड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस फॉर दैट। थैंक यू सो मच, लाइक हम लोग ने बहुत इंजॉय किया। एंड सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर लाइक LPU इज होस्टिंग सो मच बिग इवेंट्स, सर ये मतलब सर रीजन क्या है इतने बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज को LPU में बुलाने का?
एक आइडियोलॉजी में हम अगेन स्ट्रॉन्गली बिलीव करते हैं, दैट इज लार्जर देन लाइफ। तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में आप बिल्डिंग्स देखो, लार्जर देन लाइफ। यहाँ के जो 50 कंट्री से बच्चे पढ़ते हैं और इंडिया के सभी स्टेट से पढ़ते हैं, वो डाइवर्सिटी इज लार्जर देन लाइफ। आप इनोवेशन देखो जो हो रही है, बच्चे नासा में जाके मार्स में मार्स रोवर चैलेंज में कम्पीट कर रहे हैं, गो कार्ट्स बना रहे हैं, ड्राइवरलेस काम कर रहे हैं, तो इनोवेशन लार्जर देन लाइफ। एलपीयू के बच्चों का स्टार्टअप दिगांतरा, वो स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है, लार्जर देन लाइफ। तो यूनिवर्सिटी की जब एक आइडियोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके स्टूडेंट से लेके फैकल्टी तक, लाइब्रेरी तक, टेक्निकल इवेंट्स तक, सब में लार्जर देन लाइफ है, तो इवेंट्स भी तो फिर लार्जर देन लाइफ ही होंगे। सो दैट्स व्हाई हमारे कैंपस में शाहरुख खान जी, अक्षय कुमार जी, जैकलिन फर्नांडिस, विद्या बालन, मतलब 60-70 सेलिब्रिटीज तो मेरे को लगता है मैंने अपने पिछले 10 साल के करियर में एवरेजली एक साल में 5-6 आ गए तो होस्ट कर ही लिए होंगे, लेकिन ओवरऑल सेलिब्रिटीज का काउंट या एमिनेंट पर्सनैलिटीज का काउंट हम करें तो मोर देन 1000 जो एमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं, मास्टर्स हैं, वो हमारा कैंपस पिछले 10 साल में विजिट कर चुके होंगे, एंड आई एम श्योर स्टूडेंट्स को जरूर फायदा होता होगा उनसे। सो इट्स अ लार्जर देन लाइफ आइडियोलॉजी। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस स्टेटमेंट। सो सर, लाइक व्हाट वाज योर बेस्ट एक्सपीरियंस सर, आपका कौन सा बेस्ट एक्सपीरियंस था जो कोई भी आपने ऑर्गेनाइज किया इवेंट टिल नाउ? देखो, एक बेस्ट कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरे लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स का एक्सपीरियंस हुआ है, बट आई एम श्योर जो इंडियन साइंस कांग्रेस 2019 में हमने 106 एडिशन में होस्ट किया था, और उसमें हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, 3 नोबल लॉरिएट्स, बहुत सारे सेंटर मिनिस्टर जिनमें रविशंकर जी, स्मृति ईरानी जी, और इसके अलावा बहुत सारे इंडिया और अब्रॉड से फॉरेन साइंटिस्ट और स्पीकर्स को जो होस्ट करने का मौका मिला था, और कैंपस में ऑलमोस्ट 15,000 डेलीगेट्स थे जो इंडिया और अब्रॉड से आके उसको अटेंड करने आए थे, वो मेरे लिए बड़ा ही ग्रैंड एक्सपीरियंस है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दैट इवेंट। थैंक यू सो मच सर। एंड सो मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहता हूँ, जो सर है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी है, सर वो थोड़ी इसके बारे में बता दीजिए। तो ऐसा है, आई एम डॉक्टर बाय प्रोफेशन इन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो बहुत से सोशल कॉज के लिए मैं काफी काम करता रहा हूँ, चाहे वो एल्डरली लोग हैं, चाहे वो ब्लड डोनेशंस हैं, मेडिकल कैंप्स हैं, लेकिन हमारे पंजाब में कुछ साल पहले ड्रग्स का बहुत ज्यादा चलन शुरू हो रहा था, तो मेरे को ये अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती थी कि दैट वी शुड वर्क समथिंग अगेंस्ट ड्रग्स। तो ड्रग्स की अवेयरनेस के लिए हम छोटे छोटे बहुत सारे प्रोग्राम्स करने लगे, कुछ क्लासेस थी, इनफैक्ट ये भी होता था कि मेरे को जो यूथ किसी भी इंटॉक्सिकेशन में पकड़ी जाती थी ना, तो मैं उनको क्लासेस लेता था, मैं उनको पढ़ाता था कि स्मोकिंग कैसे छोड़नी है या इस तरह की इंटॉक्सिकेशन से कैसे बचना है। और मेरे पढ़ाने का तरीका क्या होता था, मैं उनको कहता था कि आप लॉ प्रोफेशन से हो तो चलो आपको एक काम दिया कि आपने एक पॉलिसी डेवलप करनी है कि अगर कोई स्मोकिंग करता हुआ पकड़ा गया कैंपस में तो क्या एक्शन लेना है उसके लिए। तो इस तरह की क्लासेस से छोटा छोटा काम बहुत कर रहे थे हम, लेकिन ऐसा कि दुनिया को सुनने के लिए एक लार्जर देन लाइफ अगेन एक जो है वो बड़ा धमाका सुनना जरूरी होता है, तो फिर देन वी थॉट ऑफ मेकिंग अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो उसमें दुनिया का सबसे बड़ा यानी वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रग अवेयरनेस लेसन है जो वो मैंने दिया था, और उसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का होल्डर अभी तक भी मैं ही हूँ, किसी से टूटा भी नहीं हुआ अभी तक। सो वी डिलीवर्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रग अवेयरनेस लेसन, तो उसकी प्रेपरेशन काफी लंबी थी क्योंकि इट्स नॉट अ गेस्ट लेक्चर। लेसन का मतलब ये है कि आप पहले उसके लिए एलिजिबल होने चाहिए, बिकॉज मैं डॉक्टर था तो आई वॉज एलिजिबल फॉर दैट। फिर आपका एक लेसन प्लान बनेगा, फिर वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को ऑडिट होने के लिए जाता है, फिर वहां से पूरे जो ऑडिटिंग के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उस लेसन को जज करने के लिए वो आते हैं, तो उन सबके साथ कंडक्ट करना ड्रग अवेयरनेस लेसन। तो वी कंडक्टेड इन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एट शांति देवी मित्तल ऑडिटोरियम, तो उसमें जितने भी लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए थी वो पूरा यूनिवर्सिटी के साथ अवेलेबल था, एंड देन वी अटेम्प्टेड, और फिर अटेम्प्ट होने के बाद वो हमें अवार्ड हुआ, ऑनर हुआ। सो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और उसके बाद में फिर नाम जुड़ गया, तो आज तक भी ड्रग अवेयरनेस के लिए मैं खुद काम कर पा रहा हूँ क्योंकि उसको पढ़ पढ़ के लोग मुझे एज एन रिसोर्स पर्सन, एज ए एक्सपर्ट, एज एन मेंटर अपने साथ एंगेज कर लेते हैं, और मैं यूथ के लिए काम कर पा रहा हूँ।
थैंक यू सो मच सर। सर लाइक मुझे अभी तक यही लगता था कि जैसे सर कोई अगर ड्रग्स एडिक्टेड है, सर मुझे नहीं लगता लगता था कि वो कभी छोड़ सकता है। बट देखो आपने तो रिसेंट, आप जेंजी हो, संजू मूवी देखी ही है। यस सर। अगर संजय दत्त कैन डू इट, जो जिसके पास ना टाइम की कमी थी, ना पैसे की कमी थी, ना रिसोर्सेस की कमी थी, और वो हर तरह का ड्रग ट्राई कर चुका था, स्टिल वो उससे बाहर निकला, ठीक है ना। yes, तो ऐसा होता है ना, जब हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं उतना ही फाइट करना मुश्किल हो जाता है। yes, तो अगर उस जैसा बंदा कर सकता है तो हमारे यूथ के तो फिर भी एडवर्सिटीज हैं, परिवार का वास्ता, पढ़ाई का वास्ता, नौकरी का वास्ता। yes, हमारे तो कई वास्ते हैं छोड़ने के लिए। yes, तो इस मिनास में से बिल्कुल बाहर निकला जा सकता है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। और इसका स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है। मैं हमेशा बोलता हूँ एक विश विल में और एक एक्शन प्लान में फर्क होता है। विश विल तो हम बहुत रख लेते हैं, आई विश कि मेरी अच्छी नौकरी लग जाए, आई विश कि मैं पॉलिटिक्स जीत जाऊं, आई विश कि मैं ड्रग्स छोड़ दूं, पर विश से नहीं होता, काम होता है स्ट्रेटजीज और एक्शन प्लान से। तो इसलिए ऑर्गेनाइज स्ट्रेटजीज हैं ड्रग्स को छोड़ने की, स्मोकिंग को छोड़ने की, और जो इसमें वाकई छोड़ना चाहते हैं सबसे पहले तो अपनी उनकी विलिंगनेस है, तो उस विलिंगनेस जिसको हो उसको रास्ता मिलेगा, अदरवाइज वी आर हेयर टू गाइड देम। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर एक तो क्वेश्चन और आपसे मैं पूछूंगा सर, मतलब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड योर एंथुसियास्टिकनेस, और सर इतना सर आप फिट रहते हैं सर? देखिए ऐसा, आई इन्वेस्ट लॉट ऑफ टाइम इन माई सेल्फ ऑल्सो, तो ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे सोर्स ऑफ माई हैप्पीनेस और एंथुसियाज्म जो आप कह रहे हो, ये जैसे एक इमारत चार पिलर्स पे खड़ी होती है, इसी तरह मेरे लाइफ में भी चार पिलर्स हैं। मुझे अपने फैमिली की बहुत सपोर्ट है, स्ट्रेंथ है। जैसे मैंने आपको बताया मैं डॉक्टर बाय प्रोफेशन हूँ, तो मेरा अपना हॉस्पिटल है, शाम को जाके मैं वहाँ पेशेंट भी देखता हूँ, नाइट में इमरजेंसी भी अटेंड करता हूँ। हाँ, लेकिन मेरे फैमिली ने कभी मेरे को फोर्स नहीं किया कि दिन के टाइम पे भी मैं जॉब में से भाग के वहां जाऊं, मैनेज करूं। तो इस तरह से मेरे को फैमिली मेरे लेट आवर्स में जाने के बावजूद भी सपोर्ट करती है, तो वो मेरी बड़ी स्ट्रेंथ है एक मेरे लाइफ में, और वो मुझे काफी सेटिस्फेक्शन देता है। दूसरा, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मैं हमेशा से कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहता था सोसाइटी को, और हेल्थ केयर शायद डॉक्टर इसीलिए बना था, लेकिन एजुकेशन में आके यंगस्टर्स को गाइड करना मेरे को बेटर ऑप्शन लगा। तो मैं मेडिकल प्रोफेशन में 7 साल प्रैक्टिस करने के बाद फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आया हूं। तो अब बच्चे जब मैं ट्रांसफॉर्म होते देखता हूं कि वो नॉन कॉन्फिडेंट से कॉन्फिडेंट बनते हैं, फिर पार्टिसिपेटरी होते हैं, फिर अचीवर्स बन जाते हैं, फिर दूसरों को मेंटर करने लगते हैं, तो वो जो बच्चों का प्लान दिखता है ना डेवलपमेंट का, वो मेरे को काफी हैप्पीनेस और एंथुसियाज्म देता है। तो अगर आप जो कर रहे हो वही करी जा रहे हो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल से, वो मेरे को हैप्पीनेस नहीं देता। तो स्टूडेंट्स का जो प्रमोशन ग्राफ है वो मेरे को बहुत हैप्पीनेस देता है। तीसरे नंबर पे मेरे लाइफ में मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, फिजिकल एक्सरसाइजेस, डाइट एंड न्यूट्रिशन, तो इन तीनों के ऊपर बहुत फोकस करता हूँ। मैं दिन में काफी समय जो है इसको डिवोट करता हूँ, अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को भी, अपने डाइट के लिए भी, और अपने एक्सरसाइजेस के लिए भी। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट रोल है मेरे लाइफ में मेरे फ्रेंड्स का। गॉड हैज ब्लेस्ड मी वेरी गुड फ्रेंड्स, वो किसी भी जेंडर के हों, लेकिन उनके साथ बैठना, बात करना, वेंट आउट होना, उनसे एनर्जी ड्रॉ करना, कुछ उनको देना, सो ये मेरे लाइफ के चार पिलर्स हैं जिसकी वजह से मैं हैप्पी और एंथुसियास्टिक रहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। एंड सर लाइक एक और क्वेश्चन है सर, लाइक एलपीयू में सर स्टूडेंट्स तो ठीक है स्टूडेंट्स, बट सर आपसे प्रोफेसर लोग भी डरते हैं सर, वो उसका क्या रीजन है? मैं भी बहुत डरता हूँ आपसे। देखो वैसे तो मैंने कभी ऐसा कुछ एग्जीक्यूट नहीं किया कि लोग डरे, मैं थोड़ा डिसिप्लिन्ड जरूर हूँ, राइट? वो डिसिप्लिन से भी ज्यादा बेटर वर्ड करूंगा कि आई एम मैन ऑफ प्रोटोकॉल्स। यस सर। जब आप प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हो ना, तो आप इतने बड़े सिस्टम को एफिशिएंटली हैंडल कर पाते हो। जैसे कि सपोज अगर तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारे साथ अलग बिहेव करूं, yes, और तुम फर्स्ट ईयर के हो, नया पॉडकास्ट शुरू किया है, मैं नहीं तुम्हारे साथ बैठता। अच्छा तुम फिफ्थ ईयर के हो, तुम मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो, चलो मैं तुम्हारे साथ पॉडकास्ट में बैठ जाता हूँ, तो तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा ना कि सर बायस्ड है। yes, sir. तो एक बंदा बायस्ड से तभी बन सकता है जब वो अपने आप को एक प्रोटोकॉल में बांधे, राइट? तो अब मैंने प्रोटोकॉल में, किस प्रोटोकॉल में बांध रखा है अपने आप को? स्टेज के फ्रंट एंड ऑपरेशंस में, बैक एंड ऑपरेशंस में, ऑडियंस की सिटिंग में,
सेलिब्रिटी का स्टेज पे आने में, सोशल मीडिया के पोस्ट में, हर चीज को मैंने किस में बांध रखा है, अपने लिए एक प्रोटोकॉल में। तो मैं उससे टस से मस नहीं होता। तो जब मैं उससे टस से मस नहीं होता प्रोटोकॉल से, ऐसा नहीं कि मैं फीडबैक लेके वो प्रोटोकॉल चेंज नहीं करता। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि मेरा प्रोटोकॉल स्टिफ हो गया है, तो मैं फिक्स्ड माइंड या स्टबॉर्न नहीं हूं, फीडबैक के बाद उसको चेंज कर देते हैं, पर चेंज करने के बाद जो आता है उसको फॉलो करते हैं। तो जो बंदा डिसिप्लिन्ड होता है, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है, वो लोगों को थोड़ा सा हार्श लगता है, तो इसलिए वो ऐसा फीलिंग लेते हैं कि वो उससे कहीं डरते तो नहीं है या ऐसे डर तो नहीं है। बट जो मेरे अच्छे क्लोज स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो मेरे स्वभाव को क्लोजली जानते हैं, वो सबको पता है कि मेरे से जर्नी कोई पर्सन ही नहीं है, और मेरे से लिबरल, सेकुलर, सपोर्टिव और ओपन माइंडेड जेंजी मतलब कोई है ही नहीं। तो वो, लेकिन उसके लिए आपको एक कंफर्ट से मेरे तक पहुंचना पड़ता है। तो वो डिफरेंस और डिस्टेंस ड्यू टू हैंडलिंग लॉट ऑफ वॉल्यूम कई बार ऐसी फीलिंग दे देता है। बट इस प्लेटफॉर्म से बताना चाहता हूँ कि आई एम नॉट स्ट्रिक्ट एट ऑल। आई एम ए मैन ऑफ डिसिप्लिन प्रोटोकॉल बट नॉट स्ट्रिक्ट एट ऑल। थैंक यू सर। सर लाइक अभी जब आप बोल रहे थे तो मेरे आंख से आंसू आने लगे थे सर, लिटरली। लाइक मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है, ये आपका अपना एफर्ट है। Why out of 30,000 student only we are sitting together na? So ये आपका इनिशिएटिव है, कॉन्फिडेंस रखो इसमें और लर्निंग्स लेते रहो कि मैंने इसको और कैसे इम्प्रूव करना है। आई विश यू गुड लक और बहुत सारा आशीर्वाद, दुनिया में और देश में तरक्की करो, अपना नाम बनाओ। थैंक यू सो मच सर। एंड सर हार्डली आई विल टेक 5 मिनट्स। अच्छा, आपको ज्यादा सर, आप मैं देख रहा हूँ आपके कॉल्स आ रहे हैं। सो सर लाइक सर अभी आपका कौन सा सर आप प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, बिगेस्ट प्रोजेक्ट आपका? देखिए, इसे बिगेस्ट नहीं होता, मैं हमेशा प्रायोरिटी बोलता हूँ। इस समय मेरी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है कि मुझे टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर रन करना है कैंपस में, जहां पे स्टूडेंट्स अच्छी इनोवेशंस कर सके और अच्छे स्टार्टअप्स ला सके। देखो, इंडिया में कहते हैं ना, इंडिया इज ए यंग कंट्री। क्यों बोलते हैं यंग कंट्री? क्योंकि वी आर यंगस्टर्स आर देयर, यंगस्टर्स ज्यादा है। कितना परसेंट आपको पता है इंडिया की पॉपुलेशन बिलो द एज ऑफ 30 है? ऑलमोस्ट 50%। और इंडिया की पॉपुलेशन कितनी? अप्रोक्सीमेटली 140 करोड़। 50% कितनी? किसके नीचे? 30 की एज के नीचे। यानी कि कितने लोग? 70 करोड़। 70 करोड़ नौकरियां हो सकती है किसी भी देश में, तो वो कैसे आने वाले टाइम में अपना लाइवलीहुड कमाएंगे? वो स्टार्टअप्स ही हैं। तो इस वजह से देश के लिए जो मेरी जिम्मेवारी है और मेरा जो अगला बड़ा प्रोजेक्ट है, वो टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स एस्टेब्लिश करना है और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन और स्टार्टअप्स में लाना है। थैंक यू सो मच सर। सर लाइक मेरे माइंड में और भी क्वेश्चंस हैं, बट तुम्हारे पास 3 मिनट और हैं। यस सर। सर सर नहीं तो दोबारा कर लेंगे। यस सर, श्योर सर, इसका पार्ट टू भी हम लोग ले आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। सो सर लेट्स रैप अप दिस पॉडकास्ट। सो सर लाइक मैं लास्ट क्वेश्चन सबसे पूछता हूँ मेरे पॉडकास्ट में। सर आप मुझे कुछ एडवाइस और टिप्स देना चाहते हैं जिससे मैं अपने आप को और इम्प्रूव करूँ, और सर जो मैं कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं? तो ऐसा है कि लाइफ में बहुत ऐसा समय आता है जब आप जो कर रहे हो उस पे अपसेट होके डाउट करने लगते हो। Exactly. है ना, वहीं से ये क्वेश्चन आते हैं जब आप पूछ रहे हो। तो पहली बात तो ये है कि जब आप इस अपसेट के भाव में हो तो इससे कैसे बाहर निकलना है वो आपको पता होना चाहिए। उसके लिए मैं तुम्हें 2-3 टिप देता हूँ। सबसे पहले तो डोंट ट्राई टू कंट्रोल द थिंग्स विच आर बियॉन्ड योर कंट्रोल। जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है ना, उस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। तो होता क्या है कि हम अपने 70% दिन के विचार किस चीज पे बिताते हैं? जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं। तो सबसे पहले अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना कि मेरे कंट्रोल में क्या है, क्योंकि उसी के बाद आप उसको इंप्रूव करने का सोच पाओगे। यस सर। तो दूसरा टिप यही है कि जब आपको चीजें हाथ से बाहर लगे या कई भी सजेशंस चाहिए हो, तो छोटे छोटे मैनेजेबल टास्क में उनको कट डाउन कर लो, छोटे गोल बनाओ, मैनेजेबल टास्क। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पॉडकास्ट करते समय मेरा ड्रेसअप कैसा होना चाहिए, ये छोटा टास्क है, तो उसी पे ज्यादा फोकस करो। 1-2 दिन पहन के देखो, शीशे के आगे खड़े होके देखो, बात करके देखो, डमी शॉट्स लेके देखो, ठीक है? फिर मेरे बात करने में मेरे बैठने का पोस्चर कैसा है,
तो बहुत छोटे छोटे टास्क हैं, आपके काम से रिलेटेड पूछा तो वही बता रहा हूँ, लेकिन अगर स्टडी से पूछ तो एग्जाम्पल वैसे हो जाते तो, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट या आइडियोलॉजी क्या है कि छोटे छोटे मैनेजेबल टास्क में काम करो। तीसरे नंबर पे अपने आप को समय दो। अपने आप को समय देने का मतलब क्या है? बॉडी की फिटनेस, इमोशनल हेल्थ और मेंटल स्टेबिलिटी, इन तीनों के लिए एक एक एक्सरसाइज तो जरूरी है ना। यस सर। हम सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज करके अपनी इमोशन और मेंटल हेल्थ को नहीं गेन कर सकते, और सिर्फ मेंटल प्रैक्टिसेस के थ्रू भी अपनी फिजिकल हेल्थ और इमोशंस को नहीं काबू कर सकते। तो अपने बॉडी को, अपने माइंड को और अपने इमोशंस को थोड़ा नर्चर करो, उनको भी एक एक एक्सरसाइज दिन में ऐसी जरूर करो जो उनको हेल्प आउट करे। उससे तुम्हें कंसंट्रेट करने में, आपके जो बात करनी है उसको एग्रीगेट करने में, बैक एंड में, आपकी फ्लुएंसी में सब हेल्प आउट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ये सब करने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। और कॉन्फिडेंस कहां से आता है? कंटेंट से, और कोई रॉकेट साइंस नहीं। आप बोलो कि शब्दों से आता है, एक्सपीरियंस से आता है ना, कंटेंट से आता है। आपके अंदर अच्छा कंटेंट है तो आपके पास कॉन्फिडेंस है। तो ये तीन चार चीजें अपने लाइफ में फॉलो करो तो आप इस फीलिंग से बाहर रहोगे और आप अच्छा काम कर रहे हो और दिन ब दिन इंप्रूव होगा। आप मेरी आज से 12 साल 13 साल पहले की फोटो उठा के देख लो तो कितना अजीब, मैं खुद देखता हूँ तो मेरे को लगता है यार ये मतलब मेरे को तो इस हुलिये में, गेटअप में जरूरत से ज्यादा या किस्मत से ज्यादा दे दिया, मैं डिजर्व नहीं करता इस तरह की शक्ल सूरत से इस स्टेज पे खड़े होना। तो अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करते हुए देखते रहना चाहिए और उससे प्राइड लेना चाहिए। सर थैंक यू सो मच सर, एंड सर इट्स माई प्लेजर। लाइक मैं यहीं से इसी शो से स्टार्ट किया था, इसी रूम से, सर आपकी भी फोटो है वहाँ पे एंड मैं आज आपके साथ बैठा हूँ। सो बहुत अच्छा सर लगा आपसे बात करके। थैंक यू। एंड गाइस इसका नेक्स्ट पार्ट टू भी हम लोग कुछ दिन में जरूर लाएंगे जब सर के अभी ये इसने पूछा नहीं है मेरे से, एक पॉडकास्ट के लिए पूछा था, वो भी मैंने इसको एक महीने बाद टाइम दिया। यस सर। अगला ये पहले ही कमिट कर रहा है, बट लेट्स सी। ओके थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस पॉडकास्ट विथ योर फ्रेंड्स। एंड मैं सर का लिंक्डइन का जो URL है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप सर को लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो। और हमारा जो नेक्स्ट पॉडकास्ट होगा कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे लिंक्डइन के ऊपर भी, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच। ओके, गॉड ब्लेस यू, आशीर्वाद।